भाई नमस्कार। लेकिन उससे पहले कंग्रेचुलेशन सभी नेपाली भाइयों को, सभी नेपाली क्रिकेट फैन को और नेपाली क्रिकेट टीम को, क्योंकि नेपाली क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है आज का मुकाबला जीतकर T20 वर्ल्ड कप में, जो कि होने वाला है अभी से कुछ 6 महीने बाद। और आज का मैच बिल्कुल रोमांचक रहा, क्योंकि नेपाल ने यूएई से ले लिया है बदला। नेपाल वर्सेज यूएई का ये मैच था, सेमीफाइनल था T20 वर्ल्ड कप एशियन क्वालिफायर्स का, और नेपाल ने लताड़ लगाई यूएई को। और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि नेपाल पहुंच चुका है T20 वर्ल्ड कप में। और आज ओमान वर्सेस बहरीन के बीच में भी मैच था, वहां पर ओमान भी पहुंच चुका है T20 वर्ल्ड कप में एशियन जोन से। तो एशियन जोन से दो टीमें जाने वाली, जो कि नेपाल और ओमान दोनों ही पहुंच चुकी हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में होगा फाइनल, जो कि होगा 5 नवंबर को। लेकिन उससे पहले बात कर ले आज के मैच की। आज का मैच इतना जबरदस्त रहा, इतना भयंकर रहा कि मजा ही आ गया। आज खेल रहे थे नेपाल के टाइगर, दीपेंद्र सिंह, एरी भी, संदीप लामिचानी भी, और बड़े बड़े बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे थे जिनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा पिछले टूर्नामेंट्स में। और आज तो इन सभी ने धमाल ही कर दिया। रीजन ये था क्योंकि पूरे टीम के एफर्ट्स बहुत अच्छे थे। हालांकि टॉस को जीता था यूएई ने और बैटिंग करने की एक अच्छी कंडीशन थी, तो यूएई ने बैटिंग करने का फैसला किया। बैटिंग करते हुए यूएई काफी अच्छा खेल रहा था, स्टार्ट भी ठीक ठाक थी। नेपाल के बॉलर्स थोड़ा पिटे भी थे, लेकिन उसके बाद नेपाल के बॉलर्स ने रिकवर किया, विकेट चटकाए और स्कोर्स को पूरी तरीके से रोक के रखा। स्कोर 134 बन पाया यूएई का पूरे 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर। और विकेट की बात करें तो करण केसी ने आज 3 ओवर कराए, उनको एक भी सफलता हासिल नहीं हुई और उन्होंने इन 3 ओवर में 26 रन दिए। सोमपाल कामी ने भी 3 ओवर कराए, 15 रन दिए और एक विकेट भी चटकाया, और उनका औसत भी अच्छा रहा। गुलशन झा थोड़े महंगे साबित हुए, उन्होंने 3 ओवर कराए, 24 रन दिए और विकेट भी उनको नहीं मिल पाया। स्टार गेंदबाज संदीप लामिचानी की बात करें तो उन्होंने आज तो धमाल ही कर दिया। उन्होंने 4 ओवर में 2-2 विकेट चटकाए और मात्र 14 रन दिए, काफी किफायती भी साबित हुए और विकेट भी इंपॉर्टेंट गिराया उन्होंने। फिर कुशल मल्ला ने भी आज गेंदबाजी की और उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने 3 ओवर कराए, 11 रन मात्र दिए और 3-3 विकेट चटकाए। और आपको बता दें कुशल मल्ला ने आज सबसे ज्यादा विकेट लिए, 3 विकेट, जो कि किसी और बॉलर्स ने नहीं लिया। और बॉलिंग से कुशल मल्ला ने कमाल कर दिया आज। वही ए बोरा काफी ज्यादा महंगे साबित हुए, उन्होंने 3 ओवर कराए, 36 रन दिए 12 के औसत से, तो काफी ज्यादा उन्होंने रन दिए और काफी पिटे। वही कप्तान रोहित पौडेल ने 1 ओवर कराया, 6 रन दिए और 1 विकेट भी चटकाया। तो ये था बॉलिंग का नंबर्स जो कि देखने को मिला, और अच्छी बॉलिंग हुई, रन ज्यादा बन नहीं पाई यूएई के जैसा एक्सपेक्टेड था। तो ज्यादा प्रेशर नेपाल के ऊपर था नहीं, बल्लेबाजों पर ज्यादा था नहीं। फिर नेपाल की तरफ से बल्लेबाजी और ओपनिंग करने उतरे कुशल बुलतेर और आसिफ शेख, और दोनों की एक अच्छी पार्टनरशिप चली रही थी कि वहां पर पार्टनरशिप ब्रेक हुई। कुशल बुलतेर का विकेट गिर गया और 8 बॉल उन्होंने खेली थी, 11 रन पर उनका विकेट गिर गया। फिर बाद में गुलशन झा और गुलशन झा ने पारी को संभाला। गुलशन झा ने 24 बॉल में 22 रन बनाए और अच्छी साझेदारी की आसिफ शेख के साथ, जिससे थोड़ा सा कंट्रोल मिला और उसके बाद गुलशन झा का भी विकेट गिर गया। लेकिन आसिफ शेख अब भी क्रीज पर मौजूद थे। कप्तान रोहित पौडेल दूसरे छोर से आते हैं। कप्तान रोहित पौडेल ने भी काफी अच्छी इनिंग्स खेली और काफी अच्छे हिट्स लगाए। उन्होंने 20 बॉल में 34 रन बनाए, जिसमें से 2 छक्के जड़े और 2 चौके भी जड़े। फिर बात करें आसिफ शेख की, तो उन्होंने 51 बॉल में 64 रन बनाए, 7 चौके जड़े और 1 छक्का भी चढ़ा। और कप्तान रोहित पौडेल साथ साथ आसिफ शेख नॉट आउट रहे और पूरे रन बन चुके थे नेपाल के। नेपाल ने अपना टारगेट पूरा कर लिया था 135 रन का, मात्र 2 विकेट खोके 17.1 ओवर में। तो यहाँ पर नेपाल की एक बड़ी और अच्छी जीत रही यूएई के खिलाफ, और नेपाल ने बदला लिया वो ट्राई नेशन सीरीज में जो फाइनल्स में हराया था यूएई ने, उसका बहुत बड़ा तगड़ा बदला लिया और वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया यूएई को। तो कैसा लगा आपको ये बदला, कैसा लगा नेपाल की टीम की परफॉर्मेंस, और कौन रहा आपका फेवरेट प्लेयर? क्योंकि टीम का कंट्रीब्यूशन के बिना ये मैच जीता नहीं जा सकता, तो सबका योगदान बराबर ही था, लेकिन कुछ स्टार तो निकल के आते हैं। आपके लिए कौन था वो स्टार, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जरूर भैया। साथ साथ कॉन्ग्रेचुलेट ना करना भूलिएगा नेपाली क्रिकेट टीम को, क्योंकि नेपाल क्रिकेट टीम 10 सालों बाद वर्ल्ड कप में वापसी कर रही है और एक बड़ी हिस्ट्री लिखी है। आज का मैच जीतकर नेपाल पहुंच गई है T20 वर्ल्ड कप में, जहाँ पर होंगी 20 की 20 टीम, धुरंधर टीम, वहाँ पर नेपाल करेगी मुकाबला उन बड़ी बड़ी सारी ही टीमों के साथ। और ये मैचेस होने वाले हैं यानी कि आज से 6 महीने बाद, तो नेपाल अभी से कमर कस लेगा इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। आपकी क्या इस पर राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए एंड आई विश यू।